साउथ के पावर कपल धनुष ऐश्वर्या रजनीकांत ने 18 साल बाद अलग होने का फैसला ले लिया है। दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में इनकी जानकारी दी है। हालांकि फैंस के लिए यह खबर काफी शॉकिंग रही, लेकिन दोनों के करीबियों के लिए यह कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। आखिर दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे की जानकारी धनुष के करीबी दोस्त ने इंडिया टुडे संग साझा की। दोस्त का कहना है कि धनुष एक वर्कहोलिक किस्म के इंसान है। जो भी उन्हें जानता है वह कहता है कि धनुष किसी भी चीज से पहले अपने काम को ज्यादा अहमियत देना पसंद करते हैं। जब धनुष वर्क कमिटमेंट के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रेवल करते हैं, आउटडोर फिल्म शूटिंग के कारण परिवार से दूर रहते हैं, काम का प्रेशर का खमियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। पहले भी कभी धनुष और ऐश्वर्या के बीच किसी भी बात को लेकर कहासुनी होती थी तो धनुष एक नई फिल्म साइन कर लेते थे जिससे वह खुद को व्यस्त रख सके। जब भी धनुष और ऐश्वर्या के बीच टेंशन होती थी तो नई फिल्म साइन करना ही धनुष के लिए बेस्ट रास्ता होता था। एक फेल हुए रिलेशनशिप से निकलने के लिए धनुष काम करने का रास्ता चुनते थे। इससे परिवार पर भी काफी गहरा असर पड़ा। पिछले 6 महीने कपल के लिए काफी मुश्किलों भरा निकला। धनुष ने OTT स्पेस के साथ प्रोडक्शन और नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग में खुद को व्यस्त रखता था। इसके कारण धनुष और ऐश्वर्या के दिमाग में अलग होने की बात काफी पहले ही चल रही थी। सूत्र ने आप भी बताया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने से पहले धनुष और ऐश्वर्या ने काफी देर तक बात की। धनुष किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने से पहले अतरंगी रे के प्रमोशन पूरा करना चाहते थे। वहीं ऐश्वर्या ने खुद को व्यस्त रखने के लिए फिटनेस चैरिटी वुमन एम्पावरमेंट का रास्ता चुना। वह दोनों बेटे आत्रा और लिंगा पर भी पूरी तरह से ध्यान दे रही थी। उनके दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं। ऐसे में ऐश्वर्या और धनुष अपने अलग होने की बात बेटों को सही तरीके से बताने का प्रयास में थे। पिछले कुछ सालों से धनुष और ऐश्वर्या अपने पर्सनल स्पेस पर ध्यान देने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसका नतीजा रिश्ते का टूटना बनकर सामने आया। दोनों ही को पेरेंटिंग में विश्वास रखते हैं। दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। आगे चलकर आप दोनों को बच्चों की खातिर पब्लिक स्पेस और इवेंट्स में एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।